many pieces up back together now. What's your vision? दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही हैं शायद। आज मैं बताने वाली हूँ, जिन लोग का ऑयली स्किन है तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है समर का मौसम में, क्योंकि समर का मौसम में ऑयली स्किन मतलब ऑयली फेस में जिन लोग का ऑयल ज़्यादा निकलते हैं उन लोग का पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। पिंपल्स से मतलब जैसे होता है ऑयल निकलने के वजह से स्किन में मतलब फेस में धूल मिट्टी पॉल्यूशन के वजह से मतलब धूल मिट्टी चिपक जाते हैं। बाहर निकलो मतलब बाहर जब भी निकलते हैं कोई क्रीम लगाओ वह कुछ भी लगाओ धूल मिट्टी तो ऑयली की स्किन में ज़्यादा ही मतलब चिपकते हैं। तो इसलिए ऑयली स्किन को कैसे ऑयल कंट्रोल ला सकते हैं, मतलब ऑयल को कैसे कंट्रोल ला सकते हैं, ऑयल को कैसे बैलेंस में ला सकते हैं इस फेस में, वही आज बताने वाली हूँ। तो स्टार्टेड मेरा वीडियो, उसके पहले मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर। तो स्टार्टेड वीडियो दिखाती हूँ कैसे आप लोग ऑयली स्किन को अच्छे से एक ग्लो मतलब अच्छा वाला स्किन पा सकते हैं। दही 2 टेबलस्पून दही चाहिए, फ्रेश वाला दही चाहिए, मतलब घर में बैठाने वाला, घर में जो बैठाते हैं दही मतलब योगर्ट, तो वही योगर्ट चाहिए। साथ 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर होममेड वाला है मेरा, लेकिन आप लोग के पास होममेड वाला नहीं है तो आप लोग मार्केट वाला भी खरीद सकते हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा चंदन और मुल्तानी मिट्टी, वो भी 1 टेबलस्पून मतलब 1 चम्मच, फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से इसे पेस्ट बना लिए, अच्छे से पेस्ट बना लिए योगर्ट और ऑरेंज पील पाउडर और मुल्तानी और चंदन का पेस्ट, इसको ऐसे फेस पे लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद कुछ ही मिनट रखना है इसको लगा के, फिर मसाज करके फिर धो देना है 10 मिनट्स बाद। अच्छे से लगा लिए पूरे, फिर अभी 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देना है, फिर इसके बाद वॉश कर लेना है। अभी हल्का हाथों से ऐसे करके मसाज करके फिर धो लेना है। ज़्यादा सूखना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा तभी इसको हल्के हाथों से मसाज करके फिर वॉश कर लेना है। तो मैं वॉश करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैंने फेस वॉश कर लिया, अच्छे से क्लीन कर लिए। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद देख पा रहे जितना ऑयल भी फेस पे आए थे, जैसे नोज के इधर और थोड़ा चीक पे इधर ऑयल निकलते हैं, बा ओपन पोर्स का भी प्रॉब्लम होता है। जिन लोग का ऑयल ज़्यादा निकलते हैं उन लोग का ओपन पोर्स का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, और इसके वजह से पॉल्यूशन धूल मिट्टी ओपन पोर्स में घुस जाते हैं, उसके वजह से भी पिंपल्स होते हैं। तो ए फेस पैक ऑयली स्किन वाले हफ्ते में मतलब हर दिन कर सकते तो अच्छा है, मतलब हर दिन नाइट के टाइम कर लीजिए, नाइट के टाइम एक हफ्ता करेंगे तो आप लोग को अच्छा से अच्छे रिजल्ट मिलेगा। और हर दिन नहीं टाइम मिलते तो आप लोग इसको हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर करना, मतलब
जरूर लगाने के कोशिश करना, मतलब स्किन पे जिन टोनर लगा लेती हूँ मैं, ज़्यादातर रोज वाटर ही लगाती हूँ, वो भी कॉटन कॉटन में थोड़ा सा लेके से डैप डैप करके लगा लेती हूँ, क्योंकि रोज वाटर से रोज वाटर टोनर बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोज वाटर टोनर एक फ्रेशनेस देते हैं और क्या, इसके वजह से स्किन में एक अलग सा ग्लो आते हैं। और जिन लोग का ओपन पोर्स का भी प्रॉब्लम है टोनर, उन लोग जरूर यूज कीजिए, टोनर बहुत अच्छा होता है ओपन पोर्स के लिए। तो टाटा।